नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। और आज के इस वीडियो के अंदर भी मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या ये जो HD कैमरास होते हैं कितने मीटर का केबल लगाया तो व्यवस्थित चलते हैं। तो दोस्तों आज है हमारे पास में यहाँ पर 200 मीटर का रोल। ये है हमारे पास में एक कोएक्सियल केबल, जो कि नॉर्मल वाला केबल है, जो हम लोग नॉर्मली 1000 रुपए 1200 रुपए का जो बंडल आता है वो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। और इस पूरे रोल पे सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक 1 मेगापिक्सल का कैमरा लाइव आपको दिखाने वाला हूं कि क्या वो पूरा का पूरा दिखा पाता है या नहीं दिखा पाता है। अगर दिखा पाता है तो कितने मीटर तक आपको दिखा पाएगा, और अगर नहीं दिखा पाता है तो आप इसके ऊपर और क्या कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर जो हमारा पूरा बंडल है वो खोल दिया है, लेकिन कुछ लोगों का मेरा जो प्रीवियस वीडियो था जहाँ पर मैंने कैट 6 के बारे में बताया था, कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर आपको खोलने की क्या जरूरत है, पूरा का पूरा जो रोल है उसी के साथ में दिखा देते हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जब रोल होता है हमारे पास में कैमरे का, तो अगर उस रोल के आप उसको खोलोगे नहीं तो उसमें जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो एक्यूरेसी वाले रिजल्ट नहीं होंगे, रिजल्ट काफी बेहतरीन नहीं आएगा। अगर आपको परफेक्ट एनालिसिस करना है तो आपको जो पूरा पूरा जो आपका वायर का बंडल है उसको ओपन करेंगे, तभी आपको एक्यूरेट जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपको यहां पर मिल पाते हैं। इस वजह से मैं इसको खोल रहा हूं, बाकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इतनी मेहनत करना मुझे भी इतना ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं सब कुछ करूंगा। चलिए आ जाइए। सो यहां पर पूरा का पूरा जो ग्राउंड है उसके अंदर हमने हमारे जो केबल है उसको बिछा दिया है, और अब हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं कुछ इस तरह से BNC और DC लगाकर केबल कैमरा हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। आपको मैं यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ तो ये देखिए, यहाँ पर हमने ये भी कॉपर का यूज़ किया है, यहाँ पर ये जो जाली है वो भी हमारे यहाँ पे कॉपर की है। ये RG59 या RG6 केबल नहीं है, उससे भी जो नॉर्मल क्वालिटी का जो केबल आता है वही है जो रेगुलरली यूज़ होता है। हमारे पास में यहाँ पर टोटल 3 तरह के जो दूसरे केबल हैं पावर के लिए, प्लस माइनस के लिए और एक ऑडियो के लिए। लेकिन अगर हमारे पास में ऑडियो नहीं होता है तो वहाँ पर हम ये जो ऑडियो वाला केबल है उसको भी हम प्लस के साथ में कर लेते हैं, ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी बन जाए। तो आपको भी जब इंस्टॉलेशन करते हैं और ऑडियो नहीं लगा रहे हैं तो आपको ये जो प्लस वाले जो एक्स्ट्रा केबल है उसको प्लस के साथ में ज्वाइन कर देना चाहिए। सो अभी हम लोग इसको फटाफट कनेक्ट कर लेते हैं और आपको लाइव रिजल्ट दिखा देता हूँ। फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पर जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरह से कर दिया। आइए मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या किया हुआ यहाँ पर। जैसे एज यूजुअल हम लोग पावर सप्लाई लगाते हैं, वैसे पावर सप्लाई ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, और यहाँ पर हमने BNC कनेक्ट कर लिया है। ये हमारा दाहुआ का DVR है, इसको हमने UPS से पावर दिया है, और इसी UPS से हमने हमारा DVR एज वेल एज हमारी जो LED दोनों को कनेक्ट किया है। मैं आपको एक और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि हम जो ये UPS लगाते हैं, अगर इस UPS के ऊपर अगर आपको कैमरा चलाना हो तो आधे से एक घंटे का बैकअप ये UPS खुद दे देता है। सो अभी हम उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और इस ग्राउंड में मैं आपको इतना सब कुछ दिखा पाने में सक्षम हो पा रहा हूँ। यहाँ पे हमने कैमरे को इस तरह से कनेक्ट कर दिया है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर कैमरा शुरू नहीं हुआ है। 200 मीटर की केबलिंग करने के बाद में भी अभी फिलहाल यहाँ पर हमारा कैमरा शुरू नहीं है। ये हमने कैमरे को किस तरह से कनेक्ट किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पर फिलहाल ये देखिए ये कनेक्टेड है हमारा कंप्लीट। ये एक दाहुआ का कैमरा है 1 मेगापिक्सल का, उसके साथ में हमने ये प्लस एज यूजुअल माइनस और सब कुछ हमने यहाँ पे कनेक्शन दे दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें कोई रिजल्ट फिलहाल नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है इसके पीछे का रीज़न हम देखते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर पावर को देखते हैं कि 200 मीटर पे हमें पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो पहले हम लोग चेकआउट करेंगे। सो मैंने यहाँ पर ये प्लस डाला, देन यहाँ पर इसको माइनस के साथ में टच किया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 13 वोल्ट दिखा रहा है मुझे। मतलब कि इसके कहने का मतलब ये है मल्टीमीटर के कि यहाँ पर आपको 13 वोल्ट आ रहा है, फिर भी यहाँ पर कैमरा शुरू नहीं हुआ। कई केसेस के अंदर ऐसा होता है कि 13 वोल्ट बता रहा है लॉन्ग डिस्टेंस है लेकिन कैमरा शुरू नहीं होता, तो क्या करना पड़ेगा, एक बार आपको पर्सनली वहाँ पर लोकल में पावर देना पड़ेगा। अब वो भी हम देख के देख लेते हैं। सो मैंने यहाँ से इसको लिया, और ये आपके सामने एक और UPS रखा है, और इस UPS का ये मैंने पावर लिया,
मैंने यूपीएस को ऑन किया और यहाँ पर ये पावर दिया, ये अभी फिलहाल मैंने लोकली यहाँ पर पावर दिया। आइए चलते हैं कैमरा स्क्रीन की तरफ कि हमारा कैमरा शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा। और यहाँ पर हमारे पास में आपके सामने यहाँ पर लाइव कि कैमरा शुरू हो चुका है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि कैमरे के अंदर कुछ वेव्स आ रही है। कैमरा शुरू हो गया है लेकिन कैमरास के अंदर वेव्स हैं, थोड़े से पट्टे हैं, ये देखिए। और ऊपर करो कैमरे को, इधर हमारी तरफ करो, ये देखिए जैसी क्लियरिटी हमको मिलनी चाहिए थी वैसी क्लियरिटी यहाँ पर नहीं है। सो अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस भी लॉन्ग था, पावर भी हमने लोकल से दिया, लेकिन यहाँ पर कैमरा शुरू नहीं हुआ। तो जैसे ही हमने यहाँ पर पावर जो है वो लोकल ही दिया तो हमारा जो कैमरा है यहाँ पर शुरू हो गया, लेकिन कैमरा शुरू होने के बाद में हमें यहाँ पर वेव्स नजर आई। अब जब वेव्स नजर आई तब हम यहाँ पर एक और टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग वीडियो बलून, यूटीपी बलून। अब ये जो यूटीपी बलून है ये एचडी वाले थोड़े से हेवी आते हैं, आपको वो यूज करने चाहिए। ये पैसिव वीडियो ट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है। अब एक्टिव भी होता है, एक्टिव के अंदर आपको इसको पावर देना पड़ता है, पैसिव के अंदर आपको कोई भी पावर इस वीडियो बलून को नहीं देना पड़ता। सो अब हम इसको यूज करेंगे, लेकिन आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो वीडियो बलून होते हैं, अब ये वीडियो बलून नॉर्मली कैट 6 या फिर कैट 5 वाले जो केबल होते हैं उस पे लगाए जाते हैं। सो जो यूटीपी बलून होते हैं उसका जो अपने आप में जो फुल फॉर्म है वो है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब जो अनशील्डेड मतलब जिस केबल के ऊपर शील्ड नहीं है, और ट्विस्टेड पेयर तो हमारा ये जो केबल आता है वो ट्विस्टेड वाला नहीं आता, कोएक्सियल केबल है। और जो ट्विस्टेड पेयर कौन सा हो गया, आपका केट 5 हो गया, केट 6 हो गया, या फिर आप टेलीफोन के लिए जो केबल यूज करते हैं वो हो गए। तो बाय डिफॉल्ट इसने खुद ने कहा है कि आप इसको मैक्सिमम जो आपको रिजल्ट चाहिए तो वो आपको कैट 6 या कैट 5 के साथ में यूज करना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या सच में ये वीडियो बलून हमें जो कोएक्सियल केबल आता है उस पे कितना वर्क करता है वो भी हम लोग आज यहाँ पर प्रैक्टिकली जान लेते हैं। तो चलिए पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास में ये AHD, CBI और TBI ये तीनों के अंदर काम करता है, प्लस और माइनस का ध्यान रखना होता है, हमें यहाँ पर सीधा लगाना होता है। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, यानी कि दो पीस आते हैं, एक हमें यहाँ पर एक साइड में लगेगा, ये दूसरा कैमरे के पास में लगेगा। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। तो हमने एक तरफ अभी फिलहाल यहाँ पर ये कनेक्ट कर लिया है, और अब हम चलेंगे दूसरी तरफ और वहां पर भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। सो अभी फिलहाल हमने यहाँ पर इस तरफ भी हमने ये कनेक्ट कर लिया है, और मैं इसको यहाँ पर केबल कनेक्ट करता हूँ डायरेक्टली वीडियो बलून के थ्रू, और यहाँ पर हमारा पावर ऑलरेडी हमने यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं हमारे उधर कितना रिजल्ट में फर्क पड़ा है, आइए मेरे साथ में। सो फाइनली यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने जब वीडियो बलून लगाया तो आप यहाँ पर रिजल्ट देख पा रहे होंगे, रिजल्ट के अंदर थोड़ा सा ही प्लस हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पहले जितनी वेव्स आ रही थी उतनी नहीं है, वेव्स हैं लेकिन कम है, क्योंकि यहाँ पर 200 मीटर का हमने केबल यूज़ किया है, वो भी कॉमन वाला। तो ओवरऑल आज हमने इस पूरे वीडियो के अंदर क्या देखा कि हमने 200 मीटर का केबल लगाया तो 200 मीटर पर हमें पावर तो नहीं मिलता है। तो फर्स्ट यहाँ पर कि आप जब भी लॉन्ग डिस्टेंस का केबल प्लान करते हैं तो वहाँ पर आपको पावर जो है वो लोकल में देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या आएगी कि जब आप लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर आपका केबल नॉर्मल वाला है तो आपको वीडियो बलून यूज़ करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जो वेव्स आती हैं काफ़ी सारी नॉइज़ आती है, सो नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए वीडियो बलून का यूज़ किया जाता है। अब ये जो वीडियो बलून का जो यूज़ है और नॉइज़ जो कम होती है वो कम्प्लीटली डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर ही कि वो लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर हमें फ़र्क तो पड़ा लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें यहाँ पर नहीं पड़ा। अब हम यहाँ पर 100 मीटर पर एक कट करेंगे केबल को, और उसके बाद में मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कि किस तरह का रिजल्ट हमें यहाँ पर 100 मीटर पर मिलता है। सो दोस्तों यहाँ पर हमें मिला, ये देखिए आपके सामने ये 100 मीटर कुछ इस तरह से, ये 100 मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है और ये केबल, और मैं यहाँ पर 100 मीटर पे कट कर रहा हूँ, ये हमने यहाँ से इसको कट कर दिया। अब हम 100 मीटर पे लगा के देखते हैं कि 100 मीटर पर क्या हमें पावर प्रॉपर मिलता है और रिजल्ट हमें किस तरह के मिल रहा है। सो फाइनली अभी हमने यहाँ पर क्या किया कि 100 मीटर पे कनेक्ट किया और 100 मीटर पे आपको कुछ रिजल्ट इस तरह का दिख रहा है। यहाँ पर हमको अलग से पावर देने की जरूरत नहीं पड़ी, जो हमने 100 मीटर दूर पावर दिया था उसी से हमारा अभी फिलहाल कैमरा चल रहा है। सो जो रिजल्ट है वो ओके है,
थोड़ी बहुत यहाँ पर वेव्स हैं, अगर इस वेव्स को कम करना हो तो हम यहाँ पर एक बार वीडियो बलून लगा के देख लेते हैं कि क्या 100 मीटर पे भी वीडियो बलून अच्छे से वर्क कर पाएगा, और ये जो रिजल्ट आ रहा है क्या ये रिजल्ट हम और अच्छा कर पाते हैं या नहीं कर पाते, चलिए देखते हैं। सो फाइनली यहाँ पर 100 मीटर पर हमने कुछ कनेक्शन कर लिए हैं, और कनेक्शन करने के बाद में जो रिजल्ट हमें मिला है कि जो हमारी वेव्स आ रही थी वो वेव्स अब कम्प्लीटली निकल चुकी हैं। सो यहाँ पर आप जो रिजल्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी हमें वेव्स नहीं है। सो वीडियो बलून जो है यहाँ पर हमें वर्क कर रहा है। सो ओवरऑल अगर इस वीडियो से हम लोग जो सीख मिलती है वो ये मिलती है कि हम जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर रेगुलर केबल यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन काम चलाओ रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन अगर 100 मीटर पे जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया, और जब कनेक्ट किया तो थोड़ी वेव्स थी, लेकिन वीडियो बलून को जैसे ही यूज़ किया तो थोड़ी बहुत जो वीडियो बलून से जो नॉइज़ है वो निकलती है, अगर बहुत ज़्यादा है तो नहीं निकलती है। लेकिन अगर आप कैट 6 यूज़ करते हो तो उसमें बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। क्या देखना चाहोगे इस पे भी वीडियो कि कैट 6 पर क्या 305 मीटर पर भी वीडियो बलून अच्छे से वर्क करेगा या नहीं करेगा? कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, जाकर कमेंट करिए। अगर अच्छे कमेंट्स आएंगे, मैक्सिमम कमेंट आएंगे, तो आपको कैट 6 के ऊपर भी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। और ये वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की हम लोग मेहनत करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी इस तरह के वीडियोस हों वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं, और आप उन वीडियो से अपना जो काम है उसकी एक्सपर्टीज बढ़ा पाओ। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, कुछ नई टाइप की टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स और नई बातों को लेकर। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।